फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट 3, जिसका नाम है डाइजेशन इन ह्यूमन। इससे पहले हमने जो डाइजेशन के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी हमने स्टडी की थी कि अलग अलग जीवों में भोजन का ग्रहण करना और उनकी फीडिंग वो कैसे होती है वो हमने सीखा था। वो किस टाइप के फूड ग्रहण करते हैं, किस टाइप के फूड का फीड करते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम जो ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है या पाचन की प्रक्रिया होती है, भोजन हमारे अंदर पचता कैसे है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन, जिसका हिंदी मीनिंग्स होता है पाचन। आज हम हमारा फूड है, जब हम भोजन मुँह के अंदर लेते हैं उसके बाद उस फूड का क्या होता है, क्या काम आता है, उसके बारे में पूरा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये इस थर्ड पार्ट है, ये इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन, वी टेक इन फूड थ्रू माउथ, हम अपना भोजन है वो मुंह के जरिए लेते हैं, मुख के द्वारा। थ्रो का मतलब होता है द्वारा, भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, भोजन हम मुख के द्वारा, हमारे माउथ मुँह के द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी जीव भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, इसलिए मनुष्य भी होता है, वो अपना भोजन है वो भी मुँह के द्वारा या माउथ के द्वारा ग्रहण करता है, टेक करता है, एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। मुँह के द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, पचाता है और यूटिलाइज इसको बाद में काम में भी लेता है। जैसे उससे क्या बनती है, एनर्जी बनती है, उस एनर्जी के फॉर्म में वो काम में लेता है। द अनयूज पार्ट ऑफ फूड आर डिफेक्टेड, जो फूड का वह पार्ट जो काम में नहीं आता है, भोजन हमने ले लिया तो कुछ भोजन, हमारा भोजन का अधिकांश भाग होता है वहाँ काम आ जाता है, जो काम में नहीं आता है और जो पचता नहीं है, ये अनडाइजेस्ट होता है, वो फूड होता है, वो डिफेक्टेड मतलब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब आपको पता है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या ये जानकर आपको आश्चर्य नहीं होगा, वंडर नहीं होगा कि भोजन है अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो उस फूड का हमारा क्या होता है, मतलब फूड है जब इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर आ जाता है तब उस भोजन का हमारे अंदर क्या होता है, क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होगा और क्या होगा। चलो आगे स्टडी करते हैं। द फूड पासेज थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, जब हमारा भोजन है मुख से हम ग्रहण करते हैं तो उसके बाद में वो क्या होती है, लगातार एक कैनाल है, ये नली होती है, उस नली से होकर गुजरता है। वो जो शुरू कहाँ से होती है, हमारे मुख से शुरू होती है, आगे दिया हुआ है देखो, इसको बोलते हैं कैनाल कहते हैं। यस, विच बिगन एट द बकल कैविटी, जो शुरू कहाँ से होता है, हमारे बकल कैविटी, बकल कैविटी मतलब मुख गुहा, मुख का जो हमारा इनर पार्ट होता है, इनसाइड पार्ट होता है, मुंह खोलते हैं तो उसमें दांत होता है, उसमें जीभ भी होती है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी इसके अंदर क्या, मुंह के अंदर हमारे क्या टंग भी आती है, टीथ भी आते हैं, ठीक है ना, तो सब पूरा पार्ट होता है उसको बकल कैविटी कहते हैं। मतलब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है भोजन की, हमारे बकल कैविटी से होती है, ओके, दांत चबाते हैं और हमारे टंग के द्वारा उसको कैसे मिलाते हैं, सेलिवा से मिलाते हैं, लार से मिला देते हैं, तो भोजन की शुरुआत यहीं से ही होती। उसके बाद एंड्स एट द एनस, और उसका अंत कहाँ से होता है, हमारे गुदा से होता है, गुदा मतलब होता है जहाँ से भोजन बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले हम ये डायग्राम दिया हुआ है, ह्यूमन डायग्राम में दिया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है आपको, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम देख लेते हैं तो आपको उनमें मालूम पड़ जाता है कौन कौन से पार्ट हमारे अंदर, मुँह के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव कैनाल कहते हैं। जैसे ये हमारा मुख है, ये देखो बकल कैविटी लिखा हुआ है, ये हमारे मुख के अंदर बकल कैविटी आते हैं, इसके नीचे हमारे टंग के नीचे ग्लैंड होती है, इसका नाम है सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं, इसको हम लार ग्रंथि भी कहते हैं, ताकि मुख के अंदर क्या लार मिल जाता है, और लार हमारे क्या काम आता है, ये हमारे भोजन को क्या करता है, लसलसा करता है, ताकि हमें भोजन निकलने में आसानी हो सके। उसके बाद भोजन का काम होता है गली में, जो हमारे गर्दन है उसकी नली होती है, इसको ग्रास नली कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं, इसको साइंस की भाषा में ओइसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, उसमें पहुंचता है। उसके बाद ये भोजन पहुंचता है हमारे
स्टोमक में, हमारे पेट में पहुंचता है। पेट को हम क्या बोलते हैं, स्टोमक पहुंचते हैं। इसमें हमारे दो तरह की ग्लैंड काम करती है, एक तो लीवर काम करती है, एक हमारे काम करती है पेनक्रियाज काम करती है। इसी साथ एक गैल ब्लैडर भी है जो क्या जूस से निकलता है, जो भोजन को पचाने में काम में करता है। स्टोमक के बाद हमारा भोजन पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आँत भी कहते हैं। उसके बाद भोजन पहुँचता है हमारे बड़ी आँत में जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद भोजन आता है हमारे रेक्टम में कहते हैं, जिसको मलाशय कहते हैं, जहाँ अपचा हुआ भोजन, जो भोजन पचता नहीं है, जो वो वहाँ रेक्टम में इकट्ठा होता है। और उसके बाद एंड भोजन हो एनस के द्वारा सही से बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हमारा हुआ था वो बकल कैविटी से होता है, और एंड कहाँ से होता है, एंड होता है वो हमारे एनस से होता है, जिसके द्वारा अनडाइजेस्ट फूड है वो सही से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको ये डायग्राम पूरा समझ आ गया होगा, ये डायग्राम आप बनाने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में ये डायग्राम हमेशा आता ही है। ओके, तो हम कहाँ थे, यहाँ पर थे विच बिगेंस द बकल कैविटी इन एंड्स एट द एनस। ये जो भोजन होता है वो कंटिन्यूस कैनाल से निकलता है, नली से को गुजरता है, और शुरू कहाँ से होता है, बकल कैविटी से होता है, उसका अंत होता है वो एनस में, उसका अंत हो जाता है, इसका भोजन का जो पचा भोजन होता है वो सही से बाहर निकाल लिया जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। इस पूरी नली होती है जो मुख से लेकर एनस तक होती है, इस पूरी नली को बहुत से वेरियस का मतलब है विभिन्न प्रकार के कंपार्टमेंट मतलब भागों में पार्ट्स में बांटा गया है। इसका पहला नाम होता है वो बकल कैविटी मुख गुहा कहते हैं, दूसरा नाम होता है फूड पाइप या भोजन नली, या उसको ओसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, ग्रास मतलब जो हमारे गले की। तीसरा पार्ट होता है वो स्टमक होता है जिसको पेट कहते हैं। चौथा पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आँत कहते हैं। और अंतिम पार्ट पाँचवा पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं या बड़ी आँत कहते हैं, जो उसका अंत कहाँ, जिसका अंत होता है एंडिंग इन रेक्टम, जिसका अंत रेक्टम में मलाशय में इसका अंत हो जाता है। और सबसे अंतिम होता है वो एनस, जहाँ से अपचा भोजन फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आते हैं हमारे क्या है, ये इट इज सिक्स कंपार्टमेंट ऑफ अवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। चलो, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये जो पूरा रास्ता है वो इतना लंबा नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म ए एलिमेंट्री कैनाल, ये जो छः पार्ट मिलते हैं तो इस पार्ट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वो फॉर्म मतलब बनाना क्या बनाते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं पाचन नली या भोजन नली भी कहते हैं, भोजन नली भी कहते हैं, या बोलते हैं इसको एलिमेंट्री कैनाल। याद रखना ये वर्ड हमेशा एग्जाम में आता है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इज मेक different part of our human digestive system. These part are buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine and large intestine and rectum and anus. Okay. The food components gradually get digest as food travel through the various compartment. जैसे जैसे food क्या होता है, अलग अलग रास्ते से गुजरता है food होता है, वो क्या होता है travel करता है, गुजरता है, कहाँ से गुजरता है वेरियस कंपार्टमेंट, कौन से बकल कैविटीज गुजरता है, ओसोफेगस में आता है, तो क्या होता है फूड क्या होता है, वैसे वैसे फूड कंपार्टमेंट ग्रेजुअली डाइजेस्ट, वैसे वैसे फूड क्या होता है उसका पार्ट होता है वो लगातार धीरे धीरे क्या होता है डाइजेस्ट होता जाता है, एकदम नहीं होता है सर फूड डाइजेस्ट, केवल बकल कैविटीज नहीं होगा, पूरा स्टमक नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है सब में होता है, तब जाके पूरा फूड का डाइजेशन होता है, पूरी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, हर पार्ट में होता है। ठीक है, चलो, द इनर वॉल, अंदर की दीवार है, किसके अंदर की दीवार है, हमारे स्टोमक की, ये स्टोमक दिख रहा है आपको, ये इस स्टोमक की अंदर की जो वॉल्स है, और किसकी वॉल्स, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों के अंदर की वॉल होती है, एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच अ सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है ना, इसकी अंदर की दीवार है वो किससे जुड़ी हुई होती है, किसकी अंदर की दीवार, स्टोमक के अंदर की दीवार है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की दीवारें होती है वो जुड़ी किससे होती है, वो सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और एंड पेंक्रियाज जो उससे क्या होती है जुड़ी हुई होती है, उससे जुड़ी हुई, ताकि सेलिवरी ग्लैंड जो हमारे कहाँ से निकलता है, हमारे लार से निकलता है मुँह से, वो भी ग्लैंड से रस निकलता है वो भी हमारे पेट में पहुँच जाता है, लिवर से निकलता है वो भी हमारे पेट पहुँच जाता है, पेंक्रियाज से जो जूस निकलता है वो हमारी छोटी आँख में पहुँच जाता है। ये जूस हमारे क्या काम आते हैं, ये जूस क्या करते हैं, हमारे भोजन के
बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती हैं। देखो, द डाइजेसिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल टुकड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इंटू स्मॉलर वंस। ये जूस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे भोजन के बड़े टुकड़े होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसके छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। ये काम कौन करते हैं, ये जूस करते हैं। कौन कौन जूस करते हैं, सेलिवरी जूस, ग्लैंड से निकलने वाला जूस, पेनक्रिया से निकलने वाला जूस, और तीसरा होता है हमारे लीवर से निकलने वाला जो जूस निकलता है, वो क्या करते हैं, भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो आपको समझ आ गया है, नहीं आ गया? अच्छा, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, कौन सी, छह ट्रैक, ये वाला ट्रैक, और उसके साथ क्या जुड़ी हुई है, ग्लैंड्स जुड़ी हुई है, अभी अभी आई थी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज और लिवर, ये सब मिलती हैं, तब इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या बोलते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये नली होती है उसको पाचन नली कहते हैं, उस नली के साथ में अगर ये ग्लैंड से जुड़ जाती है तब उसको पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपेंस टू द फूड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। जब हमारा फूड होता है डाइजेस्टिव ट्रैक के भोजन नली है उसके विभिन्न भागों से गुजरता है, तो उस जूस का क्या होता है, उसके बारे में क्या करें, जानकारी प्राप्त करते हैं, जो हम हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम स्टडी करेंगे। तो आज हमने डाइजेशन के बारे में, ह्यूमन में उसके बारे में जो मेन जानकारी हमने स्टडी की थी, जिसमें आता है हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्ट ट्रैक है, जिससे शुरू कहाँ से होता है, हमारा बक्कल कैविटी से शुरू होता है, उसके बाद ओसोफेगस में, उसके बाद स्टोमक में, उसके बाद पेनक्रिया से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, रेक्टम से होता हुआ, एंड वो एनस से हो जाता है। ये तो हमारे भोजन के ट्रैक है, उस ट्रैक में हमारे कौन हेल्प करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं हमारे पेनक्रियाज, लिवर, और सबसे पहले हेल्प करता है हमारा ये सेलिवरी ग्लैंड, ये हमारी हेल्प करती है, तीनों ग्लैंड है, इसमें ब्लैडर भी ग्लैंड में आता है, ये चारों मिल क्या करते हैं, मिलते हैं, तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स, ओके।